नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि यादव और आज मैं आपको बताऊंगा कि MES में ट्रेनिंग कैसे होती है। जैसा कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर हम MES के बारे में कुछ नहीं पता, ट्रेनिंग कैसे होती है, कौन कौन सी जगह पे होती है, कितने टाइम तक होती है और अलग अलग जगह पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, टेक्निकल होती है या फिटनेस से रिलेटेड होती है, तो वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। तो MES के बारे में तो आपको पता ही होगा, दैट इज़ मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज। और MES का एक सिंपल एंड शॉर्ट स्वीट अगर आप इंट्रोडक्शन पूछोगे तो उसकी वेबसाइट पर जाओगे तो एक सिंपल सा टैगलाइन लिखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर टू द आर्म्ड फोर्सेज सिंस 1851। तो सिंपल है कि MES आर्म्ड फोर्सेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत समय से चलती आ रही है, अंग्रेजों के टाइम से भी चलती आ रही है। और आर्म्ड फोर्सेज कोई भी हो सकती है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और DRDO, उन सब में भी MES सर्विसेज अपनी देता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब UPSC इसमें जो MES में जो सेलेक्शंस होते हैं ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट के लिए, वो UPSC की इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू होते हैं। उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होते हैं। अब MES में जो UPSC के थ्रू दो कैडर में सेलेक्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द IDSE, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। सेकेंड इज़ क्वान्टिटी सर्विंग इन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ QSNC। QSNC सिर्फ सिविल में होती है, बाकी सब ब्रांचेस के लिए IDSE वैकेंसीज होती है ओनली। अब IDSE और QSNC में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या क्या उनके प्रमोशंस होते हैं, उनका पूरा वर्क प्रोफाइल अलग होता है, वो हम किसी दिन और वीडियो में बात करेंगे। अब हम डायरेक्ट ट्रेनिंग पे चलते हैं। MES की ट्रेनिंग 10 महीने की होती है, 3 लोकेशंस पे होती है, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली। पुणे में और हैदराबाद में ऑलमोस्ट 4 महीने के लिए होती है, दिल्ली में 2 मंथ के अराउंड होती है। मतलब सबसे पहले तुम्हें भेजा जाएगा पुणे में, जो कि तुम्हारी पोस्ट होगी असिस्टेंट डायरेक्टर एट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर्स। वहाँ पे अराउंड 7 वीक के अराउंड तुम्हें कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में रखा जाएगा। वैसे तो तुम्हारा अकोमोडेशन पूरा 4 महीने के लिए CME में ही होता है, बट 7 वीक तुम CME में ही ट्रेनिंग होती है, मोर और लेस ऑलमोस्ट टेक्निकली होती है, प्योर टेक्निकल होती है। MES में क्या क्या फंक्शनिंग होती है पूरा पढ़ाया जाता है, कैसे तुम्हें वर्क्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, तुम्हारी फर्स्ट पोस्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो सारे तुम्हें बताए जाते हैं। उसके बाद 7 वीक के बाद तुम्हें हर वीक अलग अलग इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा, जैसे LNT हो गया, निकमार हो गया, CAD सेंटर में तुझे 3 वीक के लिए भेजा जाएगा। तो वहाँ पे अलग अलग अपने डिसिप्लिन के अलावा तुम्हें और भी चीज़ें भी सिखाई जाएगी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। अकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे डबल शेयरिंग में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, रूम्स काफ़ी अच्छे होते हैं, वहाँ पे क्लीनिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, रोज़ क्लीनिंग होती है आपके रूम की। फूड की मैं बात करूँ तो फूड तुम्हारा ऑफिसर्स मेस में होता है, जो कि सबसे बेस्ट होती है। तुम्हें ईटिंग एटिकेट्स में वहाँ पे जाके पता लगेगा, तो फॉर्मल्स में ही जाना होता है खाना खाने के लिए, लंच हो जाए, डिनर हो। और वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स भी खाना खाते हैं, जैसे फॉरेन ऑफिसर्स हो गए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी के भी ऑफिसर्स हो सकते हैं, वो सब वहाँ पे बड़े सारे टॉप से टॉप लेवल रैंक के ऑफिसर्स वहीं पे खाना खाएंगे। तुम्हारा टाइमिंग 8:30 टू 2 PM तक होता है, 2 बजे के बाद अब तुम फ्री हो जाते हो एक्स्ट्रा रेगुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए। अदर फैसिलिटीज़ में तुम्हें सारे स्पोर्ट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, जो भी तुम नाम लो हर तरह के स्पोर्ट्स होंगे। अलग से स्पोर्ट्स क्या होंगे, स्विमिंग पूल्स ओलंपिक लेवल का है, वहाँ पे एक रोइंग चैनल भी है, अलग से तुम नई चीज़ ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे हॉर्स राइडिंग क्लब भी है, अंदर आर्मी वालों के लिए होता है तो वो तुम भी ट्राई कर सकते हो, तो वो MES के लिए भी ओपन होता है। और अदर फैसिलिटीज़ में और कंसिडर किए जाए तो साइकिल्स एंड बाइक्स तुम्हें नॉमिनल रेट पे बिल्कुल वहीं पे रेंट पे मिल जाते हैं, आराम से, कोई इश्यू नहीं होता। 1200-1000 रुपये में अच्छी साइकिल मिल जाती है गियर वाली। और फूड स्टॉल्स, कपड़े की CSD कैंटीन होती है, तुम्हें सेंडी CSD कैंटीन कार्ड भी मिल जाएगा, तो तुम वो भी CSD कैंटीन से तुम सामान परचेज कर सकते हो। और वहाँ पे गेस्ट हाउस की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं, कोई भी रिलेटिव आता है तुमसे मिले, तो वहाँ पे तुम गेस्ट हाउस बुक करवा सकते हो और आराम से रह सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, तो वो फैसिलिटी भी सबसे अच्छी होती है। उसके बाद 4 महीने ख़त्म होने के बाद तुम्हें हैदराबाद भेजा जाएगा। हैदराबाद में सबसे पहले तुम्हें इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, दैट इज़ ESCI, वहाँ पे भेजा जाएगा। वहाँ पे तुम 20 दिन के लिए रहोगे, वहाँ पे तुम्हें सिंगल अकोमोडेशन मिलेगा, वो अच्छी बात है, बट वहाँ पे इतनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उस स्पोर्ट्स के नाम से तुम्हें वॉलीबॉल मिलेगा और आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अब नए कंस्ट्रक्ट हो गए हो तो पता नहीं, बट अभी तक यही है।
फूड की बात की जाए तो वहाँ पे मेस है, वहीं पे तुम्हारा डाइनिंग होता है, फूड ठीक ठाक होता है। वहाँ फील्ड विजिट्स भी होती है बहुत सारी, मतलब मोर और लेस पूरे क्लासेस टेक्निकल होती है, टाइमिंग 9 to 5 होती है। और उसके बाद 20 दिन के बाद तुम्हें सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो कि आपका ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट पार्ट होगा वो है डॉक्टर MCR HRD इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा, डॉक्टर मरीचन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना। तुम्हें 3.5 months के लिए भेजा जाएगा और वहाँ पे तुम इतनी एक्टिविटीज़ करोगे कि तुम्हें लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे हो गए। अगर वहाँ पे अकोमोडेशन की बात की जाएगी तो वहाँ पे सिंगल रूम मिला जाएगा, ऐसा सिंगल रूम होता है। फूड का अरेंजमेंट यही हॉस्टल के मेस में ही होता है तो वो भी बेटर होता है। और यहाँ पे देखो एक ख़ास बात क्या होती है कि फूड के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, आर्ट्स के लिए और हाउस जनरल्स के लिए अलग अलग सोसाइटीज़ बनी हुई है, तो उनके सेक्रेटरीज तुम ही लोग होते हो, तुम्हारे में से ही लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और फिर तुम ही सब कुछ अरेंज करते हो। तो मैस का मेन्यू भी तुम ही लोग डिसाइड करते हो, कितना अमाउंट होना चाहिए वो सब तुम्हारा ही डिसाइडेड किया हुआ होता है। और क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें कोर टेक्निकल नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे IAS का जो सिलेबस होता है ना वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड तुम्हें पढ़ा, लॉ, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ तुम्हें सारी अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि क्या क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल है, शॉर्ट्स है, 1 मिनट का, आप देख सकते हो, आई बटन में लिंक डाल दूंगा। और यहाँ पे तुम्हें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स रूम होता है, तुम वहाँ पे इक्विपमेंट इशू करवा सकते हो और आराम से खेलो और वापस सबमिट कर दो। यहाँ पे जैसे तुम्हें नए गेम खेलना हो, टेनिस खेलना हो, TT खेलना हो या फिर बास्केटबॉल ट्राई करना हो तो तुम आराम से ट्राई कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। यहाँ पे तुम्हारे इतनी एक्टिविटीज़ होगी कि तुम्हारा थोड़ा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, इतने सारे ट्रिप्स होते हैं, बट यू विल थॉरली एन्जॉय इट। अगर यहाँ पे नए एक्सपीरियंसेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है, दैट इज़ विलेज विजिट, जो कि 6 दिन की होती है। तुम्हें यहाँ के तेलंगाना के किसी भी गाँव में भेजा जाएगा और वहाँ पे तुम 6 दिन के लिए रहोगे और गांव की तुम्हें स्टडी करके तुम वापस आना होता है और तुम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को तुम्हें रिपोर्ट भेजनी होती है और उनसे भी इंटरेक्ट करना होता है। दूसरी एक्टिविटी होती है कि तुम्हें 6 दिन के लिए लॉन्ग ट्रैक पे भेजा जाता है, जैसे ऊटी भेजा गया था क्योंकि तमिलनाडु में, तो वो भी बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। 6 दिन तुम पहाड़ों में ही रहते हो, 6 दिन हर दिन तुम्हें 10 से 15 किलोमीटर चलना होता है, वहीं टेंट में गुजारना होता है पूरे दिन, बारिश धूप किसी से नहीं रुकना होता, पूरे 6 दिन चलना होता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एक्ट भी होते हैं, जैसे AK-SINHA एक्ट होता है, उसमें तुम्हें बहुत सारे ड्रामास करने पड़ते हैं, पूरा स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, डायरेक्शंस करनी होती है, लाइटिंग सब कुछ तुम्हें ही करना होता है। उसके बाद एक कल्चरल इवेंट होता है, उसमें तुम अपना जो भी टैलेंट हो तुम्हारा वो शोकेस कर सकते हो, गिटार बजाना, तुम्हें कीबोर्ड बजाना, तुम्हें शायरी करना या फिर तुम्हें एक्टिंग करना, प्ले करना, नुक्कड़ करना, वो सब तुम कर सकते हो। उसके अलावा जैसे यहाँ पे एक इंडिया डे होता है, उसमें तुम अपने लोकल कल्चर को, जो कि तुम्हारा लोकल कल्चर है, जैसे राजस्थान का हो गया या साउथ का कोई कल्चर हो गया या नॉर्थ का कोई कल्चर हो गया, तो वो तुम शोकेस कर सकते हो बाय ड्रेस और बाय डांस। उसके अलावा एक फैट डे होता है कि तुम्हें कोई भी जो भी तुम्हें डिश बनानी आती हो वो बनाओ और तुम्हें यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स के जो फैकल्टीज़ वगैरह होंगे वो खाना खाएंगे और तुम्हें पैसा भी देते हो, वो पैसा तुम्हारे ही काम में आता है फिर आगे कोई भी एक्टिविटीज़ में। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स मीट होती है, उसमें हर तरह के गेम्स होते हैं, जैसे लाइक शॉर्ट पुट हो गया, लॉन्ग जंप, 100 मीटर रेस हो गया, हर्डल्स रेस हो गया, जो भी एक्टिविटी, मतलब पूरे एक दिन चलता है, तो पूरे एक दिन में सोच रहे हो एथलेटिक्स के सारे प्रोग्राम्स होते हैं, दूसरे दिन क्रिकेट होता है। एक यहाँ पे 3 days की फील्ड विजिट भी होती है कि तुम्हें यहाँ पे तेलंगाना की जो भी फेमस चीज़ें हैं, जो भी हिस्टोरिकली फेमस है, वो तुम्हें घुमाया जाएगा, मंदिर, टेम्पल्स हो गए, डैम्स वगैरह हो गए, कोई भी तेलंगाना का मेजर प्रोजेक्ट है वो हो गया, जैसे मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट है तेलंगाना का, तो वो घुमाया जाएगा। उसके अलावा तुम्हें यहाँ पे एक पुलिस एकेडमी में भी एक तुम्हारा शॉर्ट ट्रैक होता है, उसमें तुम्हें फायरिंग भी सिखाई जाती है कि कैसे गोली चलानी होती है, कैसे बंदूक पकड़ना होता है। यहाँ पे इन सब के अलावा एक मेजर एक्टिविटी होती है वो कि एक्स्ट्रा करिकुलर होती है कि इवनिंग में यहाँ पे गिटार, कीबोर्ड, पेंटिंग, जुम्बा, इन सब की क्लासेस भी होती है, तो वीक में 2 बार होती है, तो तुम नई चीज़ तुम यहाँ पे ये चीज़ सीख सकते हो, ये यहाँ का सबसे बेस्ट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में विजिट्स भी होती है, लाइक DRDO में होती है, ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में होती है, इन सब में भी तुम्हारी विजिट्स होती है। तो यहाँ पे इस जो डॉक्टर MCR HRD की ट्रेनिंग का जो मकसद है वो ये है कि तुम्हें ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ पे तुम ये नहीं कि फिर आप प्योर टेक्निकल पढ़ते जाओगे, यहाँ पे तुम्हें ज़िंदगी की अदर चीज़ें भी सिखाई जाएगी कि तुम
और चीज़ों में भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। यहाँ ख़त्म होने के बाद तुम्हें फिर दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली तुम्हारा 1.5 महीने का होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट्स विजिट होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। राष्ट्रपति भवन में तुम प्रेसिडेंट से मीट करते हो और उसके बाद तुम्हें पोस्टिंग की चॉइसेस मिलकर तुम्हें पोस्टिंग पे भेज दिया जाता है। 3 वीक के लिए तुम MDI गुड़गांव में स्टे होता है तुम्हारा, और बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स में भी तुम्हें हर वीक तुम्हें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है, मोर और लेस टेक्निकल टाइप होती है। तो अगर पुणे में देखा जाएगा तो तुम्हें MES के बारे में पढ़ाया जाएगा और टेक्निकल पढ़ाया जाएगा। हैदराबाद जब तुम आ जाओगे तो लिटिल बिट टेक्निकल बट ओवरऑल डेवलपमेंट की तुम्हें बात की जाएगी, और दिल्ली में भी मोर और लेस टेक्निकल होता है और उसके बाद तुम्हें पोस्टिंग पर भेजा जाता है। यही था जो मुझे बताना था MES में ट्रेनिंग के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और UPSC ESE एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।